अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल और कलरफुल पिक्चर में आप दोस्तों को वेलकम करता हूं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूं ठीक होंगे और खैरियत होंगे। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है कबूतरों को सर्दी से कैसे बचाएं, क्योंकि हमारे पास तो भाई काफ़ी ज़्यादा ठंडा आ चुकी है। तो आपके पास है या नहीं मुझे भाई पता नहीं है, तो इसके ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि सबके लिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेडिसिन बताऊँगा और कबूतरों को जो लॉफ्ट है वो भी आप दोस्तों के साथ में शेयर करूँगा। बाकी अभी धूप वगैरह सुबह उठ के ये वीडियो बना रहा हूँ भाई। कबूतर ये खोल दिए, फैंसी और शेराजी और हवाई हाई फिलहाल ये खोल रखे हैं, बाकी नीले भी बंद है क्योंकि नस्ल बना रहा हूँ। तो ये मिक्स कबूतर आज में, ठीक है? तो सब आपको दिखाता हूँ, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आप लाजमी देखना है। उनमें मेडिसिन बताऊँगा, क्योंकि कबूतर आप देख सकते मेरे कबूतर किस तरह ठापे छापे मार रहे हैं, कोई कबूतर ढीला वगैरह नहीं आ रहा है। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी सर्दी ठंड की वजह से ऊपर कबूतर धूप वगैरह फेंक रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं आपको क्या क्या चीज़ें कबूतर लॉफ्ट के किस तरह बंद करना है, उसके बाद मैं मेडिसिन बताता हूँ। तो फ्रेंड, ये मैं कबूतर आपको देख सकते हो कितनी हल्दी एक्टिव, आप देख सकते हैं किस तरह घुड़क रहे हैं, किस तरह मस्ती में ठापे छापे मार रहे हैं। तो आपको कोई कबूतर ढीला वगैरह महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये कबूतर मेरे जो ठंडे है वो आपको लॉफ्ट देख के पता चल जाएगा। आपको लॉफ्ट को क्या करना है, अच्छे से ढकना है, ठीक है? कोई भी कपड़ा हो घर में जो पड़ा होना चाहिए, या कहीं बाहर से लेके गया चीनी कट्टे वगैरह, इस तरह से आप लोग को अच्छे से बंद करना है, क्योंकि इसके अंदर हवा वगैरह ना जाए, ठीक है? इस तरह से ये अभी कपड़ा एक ओपन किया हुआ है, मगर ये पूरा ढक जाता है लोग को। बाकी वो लाइट तो वैसे ही मुकम्मल बंद कर दिया है, जो खिड़कियाँ वगैरह वो बंद कर दी। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने सेटअप किया हुआ है, बिल्कुल क्लोजअप किया हुआ है। बाकी कबूतर अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा हमारे पास हो गई है, तो कबूतर फिर भी मेरे कबूतर आप देखें सामने किस तरह से पर खुला के ठापे छापे मार रहे हैं कबूतर, क्योंकि कबूतरों को लॉफ्ट को इस तरह से आपको बंद करना है, ठीक है? इस तरह से बंद करके आपको क्या करना है, कबूतरों को एक लीटर पानी में एक डिस्प्रिन गोली दे सकते हो, जितनी आपके कबूतर है। अगर ज़्यादा कबूतर है तो 3 लीटर पानी कर दो, ठीक है? 3 लीटर में 3 डिस्प्रिन गोली शाम के टाइम, ठीक है? कबूतरों को क्या करना है, पहले आपको रखना है प्यासा। तो फ्रेंड, कबूतरों को क्या करना है, कबूतरों को पहले आपको प्यासा रखना है, कम से कम 3 से 4 घंटे प्यासा लगे, कि कबूतर को थोड़ी सी प्यास लगे, कि वो कबूतर जो मेडिसिन गोलियाँ उसमें मिला के हम देंगे। तो ये पानी में भाई एकदम से डिस्प्रिन गोली फेंक पानी में छोड़ोगे तो 15 या 20 सेकंड में वो पानी में मिल जाएगी। तो जितना पानी 1 लीटर में भाई 1 गोली, 2 लीटर में 2 गोली, 3 लीटर में 3 गोली, ठीक है? अगर कबूतर आपका फुल के बैठ रहा है, या हरी बीट कर रहा है, या पानी वाली बीट कर रहा है, या कबूतर को बुखार थोड़ा सा हो गया है, इस सब में भाई ये काम करेगी। क्योंकि जो मेडिसिन मैं इस्तेमाल अपनी कबूतरों के ऊपर करता हूँ, बाद में आप दोस्तों के साथ में शेयर करता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बना के बड़े मेन चैनल के ऊपर भी डाल दी है, क्योंकि इसके ऊपर मैं नहीं डाली, सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो डाल दूँ। काफ़ी दोस्त इस पर सब्सक्राइबर नए सब्सक्राइबर नहीं तो पता नहीं है। तो इस तरह से आप कबूतरों को रिकवर कर सकते हो, आपके कबूतर हेल्दी एक्टिव रहेंगे और फिट रहेंगे भाई। जब से कबूतर ये सर्दी में कबूतर का पोटा जाम हो जाता है, पोटा की वजह से लकवा झोला पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, तो कबूतर सर्दी कबूतर अपने आप महसूस ही नहीं करेगा, कोई उनको टेंशन ही नहीं होगी, कबूतर फिट रहेगा, तो लकवा झोला कोई किसी भी आने के चाहे चांसेस नहीं है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो इतनी है, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब, हाथ दे बेल आइकन प्रेस कर देना, और अपना सलाह ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।